हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माया प्रड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ आरएच सिस्टम के बारे में। आरएच फैक्टर किस तरह से जो है मनुष्य के लिए इफेक्ट करता है या किस तरह से आरएच सिस्टम जो है प्रभावित करता है उसके बारे में मैं आपको आज क्लियर करने वाली हूँ। पिछले वीडियो में आपने एबीओ सिस्टम के बारे में और इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में आपने अध्ययन किया था, आज मैं आपको आरएच फैक्टर के बारे में बताऊंगी। तो आरएच फैक्टर की जो खोज की थी वो लैंड स्टीनर ने और वीनर ने। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में आरएच फैक्टर की जानकारी दी थी। आरएच फैक्टर जो है, जैसे अपने एबीओ सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड ग्रुप के ब्लड सेल्स की, ब्लड कार्पसल्स की सतह पर एंटीजन पाया जाता है, इसी प्रकार उसमें ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है, उसी प्रकार आरएच फैक्टर का भी है। आरएच एंटीजन होता है वो भी ब्लड कार्पसल्स की सरफेस पर पाया जाता है और उसी वजह से आरएच फैक्टर निर्धारित होता है। आरएच फैक्टर जिसमें उपस्थित होता है वो आरएच पॉजिटिव और जिनमें अनुपस्थित होता है वो आरएच नेगेटिव कहलाते हैं। और यदि हम इंडिया में देखें तो जो है भारत में 93% लोग आरएच पॉजिटिव हैं। भारत में 93% लोगों में आरएच फैक्टर पाया जाता है। आरएच एंटीजन के विरुद्ध कोई भी किसी प्रकार की एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होती है। खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आरएच एंटीजन होता है इसके विरुद्ध प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। जिस प्रकार एक ब्लड ग्रुप में अपने ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप में ए के विरुद्ध बी एंटीबॉडी होती है, बी के विरुद्ध ए एंटीबॉडी होती है, इस प्रकार आरएच फैक्टर में किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती। यदि हम देखें कि केस दो केस में हम लेंगे, फर्स्ट केस में कि यदि आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव का रक्त दे दिया जाए, आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाए तो उसके शरीर में क्या होता है? आरएच नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में आरएच पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो उस व्यक्ति के शरीर में, फर्स्ट केस में आरएच नेगेटिव व्यक्ति है उसको दे दिया ब्लड आरएच पॉजिटिव, तो इस व्यक्ति के शरीर में एंटी आरएच एंटीबॉडी निर्मित हो जाती है, यानी एंटीबॉडीज बनने लगती है उस व्यक्ति के शरीर में, एंटीबॉडीज बनने लगती है। और एंटीबॉडीज बनने से जो क्रिया है इस जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक ही प्रजाति के हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन, इसको हम कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन कि एक नेगेटिव व्यक्ति के पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया जाए उसके विरुद्ध उसके शरीर में आरएच एंटीबॉडीज बनने लगती है और उसको हम आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ये तो फर्स्ट केस की बात हुई। और इसी तरह की यदि सेकंड केस मैं ले रही हूं कि यदि कोई माता है और माता के गर्भधारण होता है, सेकंड केस में यदि कोई माता है जैसे कि यह है माता और इसके गर्भधारण की कंडीशन है और ये गर्भधारण की कंडीशन कैसी है कि इसके जो शिशु है वह है, ये तो है माता आरएच नेगेटिव और शिशु है
पॉजिटिव, शिशु है आरएच पॉजिटिव। ध्यान रखिए गाइस, ये जो करेक्टर होता है वंशानुगत होता है, ये करेक्टर जो होता है आरएच फैक्टर वाला वंशानुगत होता है, यानी माता पिता से बच्चों में आएगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आरएच नेगेटिव माता है और शिशु गर्भधारण के समय जो शिशु है वो आरएच पॉजिटिव है। अब आरएच पॉजिटिव यदि शिशु है तो माता के गर्भाशय में क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, माता के शरीर में जो है प्रसव के समय, यानी जैसे ही डिलीवरी का टाइम आएगा, प्रसव के समय, प्रथम प्रसव की बात कर रहे हैं हम, यहां पर बात कर रहे हैं हम प्रथम प्रसव की, प्रथम प्रसव में क्या होगा, ये जो आरएच पॉजिटिव शिशु है इसके एंटीजन जाएंगे माता के प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर में जाएंगे और एंटी आरएच एंटीबॉडीज यहां बनने लगेगी, एंटीबॉडीज निर्मित हो जाएगी। प्रथम प्रसव की बात है ये, एंटीबॉडीज बन गई माता के शरीर में, और माता के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी है ये फर्स्ट कंडीशन की बात हम यहां कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में इनकी मात्रा ज्यादा नहीं होती है जो शिशु को हानि पहुंचाए, यानी प्रथम कंडीशन है इसलिए हानि नहीं होगी, जो शिशु है उसको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यदि सेकंड कंडीशन है कि दोबारा गर्भधारण हुआ, दोबारा गर्भधारण वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो आरएच एंटीबॉडीज बनी है वो प्लेसेंटा द्वारा शिशु के रक्त में पहुंच करके रक्ताणुओं का लयन करना चालू कर देगी। प्रथम कंडीशन में कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ा है, लेकिन दोबारा गर्भधारण की कंडीशन है तो क्या होगा, प्लेसेंटा द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर में ये जो है एंटीबॉडीज पहुंच करके माता के शरीर से शिशु के अंदर पहुंच करके ये जो एंटीबॉडीज है ज्यादा मात्रा में बनेगी और शिशु के रक्त में पहुंच जाएगी। शिशु के रक्त में पहुंच करके ये क्या करेगी, जो ब्लड सेल्स है, रक्ताणु है, ब्लड कार्पसल्स है, ब्लड की जो कणिकाएं हैं उनका, उनको नष्ट करना चालू कर देगी, यानी लयन होने लग जाएगा। ब्लड सेल्स का लयन का मतलब है कि ब्लड की कोशिकाएं नष्ट हो रही है, निश्चित रूप से ब्लड की कोशिकाएं नष्ट होगी तो क्या होगा, एनीमिक कंडीशन आ जाएगी। ये जो कंडीशन बनी है सेकंड केस में इसको हम कहते हैं इरिथ्रो ब्लास्टोसिस, फिटेलिस, इसको हम कहते हैं इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग। इसमें जो शिशु होगा वो एनीमिक कंडीशन में होगा या समय से पूर्व जो है प्रसव हो जाएगा। इस कंडीशन से जो शिशु है, इस शिशु का नाम रिसस शिशु भी दिया गया है, मतलब रिसस शिशु भी आरएच फैक्टर के कारण इसको कहते हैं। इसका यदि इलाज लिया जाए तो इलाज का क्या होगा, इलाज की इसमें जो शिशु है उसका ब्लड पूरा प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, यानी कि ब्लड को पूरा निकाल करके दूसरा ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। एक और इसका जो है, इसके लिए हो सकता है कि प्रसव जो पूर्व की कंडीशन है उसके लगभग 72 घंटे पहले जो एंटी आरएच का इंजेक्शन दे दिया जाए, माता के प्रसव के पूर्व लगभग 72 घंटे पूर्व एंटी आरएच का इंजेक्शन लग जाए तो इस कंडीशन से बचा जा सकता है। और आरएच फैक्टर के बारे में आज आपने जाना, लैडिस्टीनर और वीडर ने 1940 में ये आरएच फैक्टर दिया था, और इस आरएच फैक्टर से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग किस तरह से होता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, ये वंशानुगत फैक्टर है, यह आपने जानकारी ली। ओके गाइज, थैंक्स।